अपने माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट लगा। उनसे जो बन पाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेन रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। तभी तुमने देखा था पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे थे। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने, कैसे वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते आपके लिए कपड़े, वे कपड़े खरीदते जाते हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो, आप बस फील नहीं करते हो। हम सबकी दिक्कत ये है ना, हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अपने से ऊपर वालों को, कभी जीवन में नीचे वालों को देख ही नहीं रहे हैं। आप स्लम में जाके देखिए भाई, ऐसे बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं घर में, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लड़कियां घर के बाहर शौच करने जा रही हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यू आर फाइटिंग फॉर कि पापा यार महीने के 10,000 दे रहे हो, 12,000 दे दिया करो, 2,000 और चाहिए। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम भी आपकी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बड़ी नहीं है, पर जैसे ही आप ऐसे लोगों को देखोगे हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम कम लगे। अब ये जो थी ये बहुत बड़े घराने से आती थी, तो इन्होंने हमसे पूछा कि तुम क्या बनोगे जीवन में, तो हमने बोला टीचर बनेंगे। बोली कहाँ पढ़ाओगे, हमने बोला कोचिंग में। कोचिंग में पढ़ाओगे, ये कौन सा प्रोफेशन है। बोली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनो, वहाँ रिस्पेक्ट होती है, कोचिंग वालों की इज्जत नहीं होती है। अब मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं मुझे यही करना है, मेरे को कोचिंग पढ़ाने का शौक है, मेरे को यही करना है। तो वो चाहती थी कि मैं कोचिंग टीचर ना बनूँ किसी भी तरह से, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करूँ और एक बहुत अच्छी जॉब करूँ, 20-30-40 लाख का पैकेज, उस टाइम बहुत बड़ा था मेरे लिए कि 20-30-40 लाख का पैकेज मेरा लग जाए और मैं वो जॉब करूँ। और इस बात पे हम लोग की काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी गंदी लड़ाइयाँ फोन पे एकदम, कि नहीं मैं बनूंगा। वो बहुत ही मेरे लिए टॉक्सिक होने लगा वो एनवायरनमेंट, कि ये मेरे को जीवन ही नहीं जीने दे रही है, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं करने दे, मैं सपने नहीं पूरे करने दे। आई सेक्रीफाइज माई मोस्ट प्रीशियस थिंग टू बिकम अ ग्रेट फिजिक्स टीचर, आई सेक्रीफाइज माई लव। मैंने कहीं बंदी नहीं चाहिए मुझको, मुझे फिजिक्स टीचर बनना है, मैं इस सपने से नहीं हटने वाला। दैट्स वॉट आई एम टेलिंग यू, आपको अपनी सबसे प्यारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप मेरी एक नॉर्मल जीवन भी चले, मैं अच्छा भी दिखूँ, स्मार्ट भी दिखूँ, मैं गेम भी अच्छा खेलूँ, मैं गाना भी अच्छा गाऊँ, मैं ऑलराउंडर भी अच्छा बनूँ, लोग मुझे बहुत अच्छे से जाने, मैं कॉलेज में डूड भी दिखूँ और मैं बहुत अच्छा जीवन भी कर जाऊँ, नहीं होगा बेटा। पागलपने की हद तक जाना पड़ता है, ऐसे नहीं बनती चीज़ें। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर प्योरेस्ट थिंग, प्योरेस्ट जो आपके सबसे बेहतरीन सबसे प्यारी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी, वो कई बार आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। थैनोस ने नहीं बेटी का सेक्रीफाइस कर दिया था, किया था कि नहीं। इज थैनोस अ हीरो, आई डोंट नो, बट इज थैनोस अ ग्रेट पर्सन, यस। उसने खुद को बिल्ड किया, वी ऑल नो हिज नेम, भले ही स्टोरी के अंदर होता है, स्टोरी वॉज रिटन इन सच अ वे। तो ग्रेट हीरो हो या ग्रेट विलन हो, दोनों की लाइफ में आपको सेक्रीफाइसेस दिखेंगे। जीवन में कहीं भी आपको ऊपर जाना है सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। हाउ मच आई लव्ड हर, इनफ। होप माय फादर इन लॉ डजंट सी दिस वीडियो, काट देंगे मुझको एंड माय वाइफ आल्सो, बट आई सेक्रीफाइस्ड इट क्योंकि मेरे को बनना था बहुत बड़ा फिजिक्स टीचर।